ससम्मान जिले के प्रभारी मंत्री श्रद्धेय बाला बच्चन जी को कि वे आए और आज के इस अवसर पर हम सबका मार्ग प्रशस्त करते हुए इंदौर की परंपरागत गीर का आमंत्रण भी हमारे मुख्य अतिथि को देवें। हम सब के मुखिया एवं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, हमारे मंत्रिमंडल के इनर्जेटिक एवं डायनामिक मंत्री आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी, तुलसी भाई सिलावट जी, सचिन यादव जी, विशाल पटेल जी, कुणाल चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, विनय बाकलीवाल जी, सदाशिव यादव जी, प्रमोद भाई टंडन जी, शोभा ओझा जी, कृपा शंकर पंडित जी और सम्मानित मंच, मैं सभी को जानता हूं, उपस्थित हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों और सभी युवा साथियों और सभी परम पुण्य बुजुर्गों और सभी हमारे अधिकारी एवं कर्मचारीगण और सभी पत्रकार एवं छायाकारगण, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी की तरफ से, मैं किसान भाइयों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को जो कर्ज माफी की बधाई और शुभकामना देता हूं। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि साल भर पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और हम सब ने जो वचन दिया था कि मध्य प्रदेश के किसानों का, सोसाइटियों का, कोऑपरेटिव बैंकों का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का 2-2 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ करेंगे, वो कर्जा हम आज आपका द्वितीय चरण का माफ करने जा रहे हैं। इसकी बधाई और शुभकामना। हमने जो बोला था कि 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, खेती को लगने वाले बिजली के बिल हम हाफ करेंगे, घर की बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट हम देंगे, जिसका नाम था इंदिरा गृह ज्योति योजना, वो भी हमने लागू कर दी है। उसके बाद खेती की बिजली भी हमने हाफ कर दी है, पेंशन को हमने 300 से 600 रुपए कर दी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो विवाह और निकाह होते हैं उसको भी हमने 51,000 रुपए उसके भी हमने कर दिए हैं। मात्र साल भर में 365 वचनों को हमने पूरा किया है। ऐसे होनहार मुख्यमंत्री जी, जिनको काम की तड़प होती है, ऐसे आज जो जीतू पटवारी जी ने बोला है कि राव विधानसभा के लगभग किसानों का जो 18 करोड़ का कर्जा माफ हो रहा है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आप लोगों को। एक आध दो मिनट में मैं बताना चाहता हूं, प्रथम चरण में इंदौर जिले के किसानों का जो कर्जा माफ हुआ था उनकी संख्या थी 23,553 किसानों का, 122 करोड़ रुपए की हमने राशि माफ की थी, जिसमें 50,000 तक के जो रेगुलर किसान थे उनका हमने कर्जा माफ किया था और जो एनपीए जो थे वो 2-2 लाख तक का हमने कर्जा माफ किया था। अब जो द्वितीय चरण में इंदौर जिले के किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है उनकी संख्या है 11,767 किसानों का, 88,54,00,000 रुपए माफ हुआ है। तो दोनों किस्तों का मिलाकर इंदौर जिले के किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है वो आंकड़े है 35,320 किसानों का, 210,54,00,000 रुपए हमने कर्जा माफ किया है। जोरदार ताली बजाकर हमारी सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। बाकी की और जो बातें जो हमने आप लोगों को जो बोला है, बचे हुए समय में हम फिर उन वचनों को पूरा करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक लोकसभा के चुनाव के पहले 20 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया था, द्वितीय चरण में 12 लाख किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। ऐसे लगभग मध्य प्रदेश में 32 से 34 लाख किसानों का कर्जा 1-1 लाख रुपए तक का माफ हो गया है। तृतीय चरण में हम 1 लाख से लगाकर 1.5 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। चौथे चरण में हम लोग फिर 1.5 लाख से लगाकर 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। आने वाले होली के त्योहार की भी बधाई और शुभकामना। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इंदौर का, मालवा का, धुलंडी का, होली का और रंगपंचमी का त्योहार हम बड़े युद्ध स्तर पे मनाते हैं। 13 तारीख को हम सब की तरफ से, शासन की तरफ से 13 तारीख को जो रंग पंच 13 तारीख को एक जो त्योहार है आ रहा है, उसमें आप सभी को गेर गेर होगी,
गेर पे आप सभी राजवाड़ा पे हम सब की तरफ से शासन की तरफ से आप सभी आमंत्रित है, उसमें भी आप लोग हिस्सा ले, उसके लिए भी आप सभी का स्वागत है। बाकी की बातें हमारे जो माननीय मंत्री जी ने सब आप लोगों को बता दी है, चाहे शुद्ध के लिए युद्ध की बात हो, मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की बात हो, ये तमाम योजनाएं आप लोगों से कोई छिपी नहीं है। इंदौर और भोपाल के लिए मेट्रो रेल परियोजना की बात हो, मध्य प्रदेश को मैग्निफिशेंट मध्य प्रदेश का कार्यक्रम इंदौर में हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए के निवेश इस धरती पे आना भी शुरू हो गए हैं। इंदौर से मनमाड़ रेलवे लाइन का काम बहुत वर्षों से बचा हुआ था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। बाकी अभी जो आईफा अवार्ड जो आ रहा है, इस आईफा अवार्ड से पूरे मध्य प्रदेश की प्रसिद्धि न केवल देश में ही नहीं दुनिया में मध्य प्रदेश की प्रसिद्धि भी होगी, बिजनेस भी यहाँ पर आएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही कमाल था जो इतने इतने बड़े काम इतने कम समय में हो पाया है। थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखे, समय दीजिए। हमने जो आपको वचन दिया 100% माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम उन वचनों को पूरा करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने जो छिंदवाड़ा को जो सींचा है, छिंदवाड़ा को एक पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक मॉडल जिला जो बनाया है, मॉडल संसदीय क्षेत्र जो बनाया है, साथियों अब हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के नेतृत्व में इंदौर की, राव की और मध्य प्रदेश की बारी है। अब पूरा मध्य प्रदेश मॉडल मध्य प्रदेश बनेगा। आप सब ने जो हम लोगों को जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद। उस्मान पटेल जी का, शंकर यादव जी का जो कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, और ऐसे कई हमारे और जो साथी हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हुए बहुत जल्द कांग्रेस में और ज्वाइन करने वाले हैं। शानदार कार्यक्रम के लिए मैं जीतू पटवारी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। किसानों को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।